सब्सक्राइब कीजिए विश्वकर्मा जी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को टेक्निकल सब्जेक्ट और लेटेस्ट टेक्निकल न्यूज के वीडियो फ्री में पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने अपने कंपाइलर डिजाइन लेक्चर सीरीज में बात किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंपाइलर की। आज हम कंपाइलर के फेजेज और कंपाइलर के पास के बारे में बात करेंगे। कंपाइलर के कितने फेज होंगे, क्या कंपाइलर के कितने पास हो सकते हैं, वो सारा चीज़ हम आज के लेक्चर में देखते हैं। तो दोस्तों, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो टोटल कंपाइलर में आपके जो फेज होते हैं लेक्सिकल एनालिसिस फर्स्ट फेज जिसको हम कहते हैं, दूसरा फेज होता है सिंटेक्स एनालिसिस जिसको हम फेज सेकंड कहते हैं, थर्ड होता है सेमेंटिक एनालिसिस जिसको हम थर्ड फेज कहते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन नेक्स्ट होता है जिसको हम फोर्थ फेज कहते हैं, नेक्स्ट आपका कोड ऑप्टिमाइजेशन आ जाएगा जिसको हम फिफ्थ फेज कहते हैं, और लास्ट आएगा कोड जनरेशन जो आपका सिक्स फेज होता है। तो टोटल आपके सिक्स फेज कंपाइलर डिजाइन में होते हैं, जिसमें से कोड ऑप्टिमाइजेशन एक ऑप्शनल फेज है। इसको हम इस फेज के साथ छह फेज में रख भी सकते हैं, इसको नहीं भी रख सकते। तो ऑप्शनल अगर हम इसको हटा दें तो इस तरीके से टोटल कंपाइलर में कितने फेज आपके हो जाते हैं, पांच फेज। तो हर फेज के बारे में हम यहाँ पे समझते हैं डिटेल में वन बाय वन कि क्या किस फेज का क्या रोल है। दोस्तों, जैसे मैंने पीछे प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था वहां पे कि जो कंपाइलर के पास आएगा वो सोर्स कोड मींस जो हाई लेवल लैंग्वेज में है प्रोग्राम आपका लिखा वो आएगा एज ए इनपुट, या प्योर हाई लेवल लैंग्वेज जिसको हम मॉडिफाइड सोर्स कोड कहेंगे वो आएगा। तो प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था कि जो कंपाइलर के पास आता है कोड वो आपका प्योर हाई लेवल लैंग्वेज का कोड आता है जिसको हम मॉडिफाइड कोड भी कहते हैं। मॉडिफाइड कोड का मतलब वहां पे क्या था कि आपका जो प्री प्रोसेसर की लाइन है मींस हैश के साथ, अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो हैश के साथ जो लाइन है वो सारे प्री प्रोसेसर लाइन को रिमूव करेगा, तो वहीं बन जाएगा आपका मींस विदाउट प्री प्रोसेसर लाइन के जो भी आपका सोर्स कोड होगा उसी को हम कहेंगे प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कोड। अब प्योर हाई लेवल लैंग्वेज जो होगा वही आपका एज ए इनपुट किसके पास जाएगा, कंपाइलर के छह फेज में से सबसे पहला फेज इंटरेक्ट करेगा उससे लेक्सिकल एनालिसिस। लेक्सिकल एनालिसिस क्या काम करेगा उस पर, उसको स्कैनर का काम करता है। स्कैनर मींस एक एक करेक्टर वाइज करेक्टर उसको क्या करेगा, स्कैन करेगा और उसको आइडेंटिफाई करेगा कि उसमें कौन कौन से टोकन बन सकते हैं और कितने टोकन हैं। जो जनरेट करेगा आपका क्या जनरेट करेगा, टोकन। टोकन क्या होता है दोस्तों, टोकन हो सकता है कीवर्ड, हो सकता है आपका वेरिएबल, हो सकता है ऑपरेटर, हो सकता है स्पेशल सिंबल, हो सकता है या कॉन्स्टेंट हो सकता है, कुछ भी आपका टोकन हो सकता है। तो उसमें आइडेंटिफाई कर लेगा कि अगर आपके प्रोग्राम में कीवर्ड यूज हुआ है तो कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर देगा कि हाँ कीवर्ड आपका है तो एक टोकन से हो गया, अगर वेरिएबल यूज हुआ तो वेरिएबल को टोकन बता देगा। तो ये सारे टोकन आइडेंटिफाई करेगा और टोकन को लिस्ट आउट कर देगा। अगर कोई प्रोग्राम में ऐसा आपका सिंबल यूज हो गया जो कि उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग टोकन कैटेगरी में नहीं आता है तो वहां पे लेक्सिकली क्या आ जाएगा, इरर आ जाएगा, मींस वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि टोकन है या नहीं है। तो जब टोकन जनरेट हो जाएगा तो यही टोकन एज ए इनपुट जाएगा कंपाइलर के सेकेंड फेज पे जिसको हम कहते हैं सिंटैक्स एनालिसिस फेज। सिंटैक्स एनालिसिस फेज को हम एक और नाम से जानते हैं, पार्सर नाम से। ये काम क्या करता है, ये आपका सिंटैक्स ट्री बनाएगा, एक ट्री डायग्राम बनाता है उसका, जितने भी टोकन्स हैं अगर वो एक सिंटैक्स ट्री फॉर्म में बन जाते हैं तो उसको कहेगा वो सिंटैक्टिकली क्या है, सिंटैक्टिकली आपका प्रोग्राम क्या है, करेक्ट है। उसका आउटपुट जो सिंटैक्स ट्री होगा, ये सिंटैक्स ट्री आउटपुट किसके पास जाएगा, सिमेंटिक एनालिसिस के पास। सिमेंटिक एनालिसिस मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ कोड। जो आपका ट्री बना है वो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, अगर मीनिंगफुल नहीं है तो वहां पे सिमेंटिकली उसका इरर आ जाएगा, वो बता देगा कि यहां पे इस लाइन का कोई मीनिंग नहीं मिल पा रहा है इसलिए यहां पे क्या है, इरर है। इन सबको इसका अभी हम आगे डिटेल में वन बाय वन बहुत ही डेप्थ में जाके डिस्कस करेंगे। जो अब सिमेंटिक एनालिसिस अगर सिमेंटिकली करेक्ट है मींस मीनिंगफुल आपका सिंटैक्स ट्री है तो उसका जो आउटपुट होगा वो भी आउटपुट क्या होगा, सिंटैक्स ट्री आउटपुट होगा, और वो एज ए इनपुट किसके पास जाएगा, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर के पास जाएगा। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करेगा, उसको उसका एक
कोड जनरेट करेगा। एक डी एड्रेस कोड होता है आपका, थ्री एड्रेस कोड एक फॉर्म होता है कोडिंग का, उसमें हम अभी भी डिस्कस आगे डिस्कस करेंगे क्या होता है एक्चुअली। तो उस फॉर्म में जो भी आपके प्रोग्राम के कोड होंगे उसको सारे फॉर्म को थ्री एड्रेस कोड के फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। अगर कन्वर्ट हो गया तो उसी का जो आउटपुट होगा वो इंटरमीडिएट कोड होगा, और वही कोड किसके पास जाएगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन के पास। कोड ऑप्टिमाइजेशन जैसा कि मैंने बताया ऑप्शनल फेज है, तो इसको रहने से न रहने से कोई विशेष ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोड ऑप्टिमाइजेशन लगाते हैं तो कोड ऑप्टिमाइजेशन काम क्या करेगा, आपका जितने भी इंटरमीडिएट कोड हैं, सपोज कीजिए कि 10 लाइन इंटरमीडिएट कोड बन गया जो कि थ्री एड्रेस कोड के फॉर्म में है। अब कोड ऑप्टिमाइजेशन क्या करेगा, उसी कोड को रिड्यूस करके 10 लाइन से कोशिश करेगा कि जो काम 10 लाइन में हो रहा है वो काम 8 लाइन, 7 लाइन या 5 लाइन में मेरा हो जाए। अगर रिड्यूस होता है कोड तो वहीं पे आप क्या हो जाएगा, ऑप्टिमाइज्ड कोड उसको मिल जाएगा, और वही ऑप्टिमाइज्ड कोड किसके पास जाएगा, कोड जनरेशन के पास। और कोड जनरेशन उसको क्या करेगा, कोड जनरेशन उसको टारगेट कोड यहां से हम कह सकते हैं असेंबली कोड में उसको जनरेट कर देगा। अगर असेंबली कोड जनरेट हो जाएगा वही आपका क्या होगा, वो सोर्स प्रोग्राम का टारगेट प्रोग्राम कन्वर्जन हो जाएगा, और वही टारगेट प्रोग्राम जो असेंबली कोड कन्वर्ट हुआ वो किसके पास फर्दर जाएगा, वो जाएगा असेंबलर के पास। असेंबलर उसको बाइनरी 0.0.1 फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, फिर वो जाएगा लिंकर के पास और लोडर के पास और मेमोरी के पास। तो कंपाइलर में टोटल 6 फेज होते हैं ये। इसके साथ जो दो डेटा स्ट्रक्चर भी लगे होते हैं यहाँ पे, इनका रोल क्या होता है, सिंबल टेबल के इसको एक को हम सिंबल टेबल कहते हैं, एक को हम कहते हैं एरर हैंडलर। जो सिंबल टेबल होता है ये सारे फेज से कनेक्टेड होता है, सारे फेज से कनेक्टेड मीन्स यहाँ पे कोई ना कोई डेटा स्ट्रक्चर हम यूज करते हैं। वो डेटा स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है, आपका लिंक लिस्ट हो सकता है, एरे हो सकता है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे हो सकता है। ये जनरली क्या करता है कि प्रोग्राम में जो भी सिंबल आपका यूज हुआ है या कुछ भी नोटेशन यूज हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन को होल्ड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज मैंने बता दिया इंटीजर ए बी दे दिया, अब इंटीजर ए भी दिया तो यहां पे सिंबल टेबल क्या करेगा, उसका इंफॉर्मेशन होल्ड करेगा कि दो वेरिएबल हैं ए और बी, उसका डेटा टाइप क्या है इंटीजर, तो इंफॉर्मेशन यहां पे होल्ड करेगा। इसी तरीके से एरर हैंडलर क्या है, ए भी सारे फेज से कनेक्टेड होगा। इसका काम क्या होगा, जिस फेज में एरर आएगा, सपोज लेक्सिकल एनालिसिस जो टोकन जनरेट कर रहा है, अगर किसी पार्टिकुलर सिंबल के टोकन जनरेट नहीं कर पाया तो वहां पर क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, और किसको रिपोर्ट करेगा, एरर हैंडलर को। ऐसे किसी फेज में अगर एरर आता है तुरंत रिपोर्ट करेगा यहां पे, और वहीं पे आपका कंपाइलेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये तो हो गया। अगर यहां पर हम दूसरा चीज समझना चाहे कि ये तो फेजेज ऑफ कंपाइलर, एक तो कितने हो गए फेजेज ऑफ कंपाइलर, 6 फेज ऑफ कंपाइलर हो गए प्लस दो डेटा स्ट्रक्चर हो गए, जो यहाँ पे एक सिंबल एज ए सिंबल टेबल और दूसरा एरर हैंडलर यूज हो रहा है। दूसरा अगर हम देखें पास ऑफ कंपाइलर, तो पास ऑफ कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलेशन प्रोसेस जो होता है 6 फेज को, इसको अगर हम वन मोर या मोर देन वन पास में अगर ब्रेक कर दें तो वही सी को हम क्या कहते हैं, पास ऑफ कंपाइलेशन। जैसे सपोज कीजिए कि इन सारे जो फेज है इनको एक पास में कंबाइन कर दे, एक पास मतलब कि टोटल सारा काम एक साथ करेगा, तो ये हो जाएगा इसी को हम क्या कहेंगे, सिंगल पास कंपाइलर। अगर इसी कंपाइलेशन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर दें मींस एक हम ग्रुपिंग कर दें लेक्सिकल सिंटेक्स सेमेंटिक इंटरमीडिएट, इन चारों का ग्रुपिंग कर दें और एक ग्रुपिंग कर दें हम कोड जनरेशन और कोड ऑप्टिमाइजेशन का, तो ये कितने पास हो जाएंगे, मल्टी पास, या इसको हम कहते हैं टू पास कंपाइलर। तो जनरली टू पास कंपाइलर तक हम यूज करते हैं, इससे ज्यादा हम यूज नहीं करते। तो टू पास कंपाइलर इसी को हम कहेंगे मल्टी पास, मींस एक पास में स्टार्टिंग के 4 फेज आ गए और दूसरे पास में क्या आ गए, बॉटम के 2 फेज आ गए। इसी स्टार्टिंग के 4 फेज का जो पहला फेज बना इसमें, इसको हम कहते हैं फ्रंट एंड फेज, और लास्ट का जो दूसरा फेज बना लास्ट के 2 फेजेस से उसी को हम कहते हैं बैक एंड फेज। तो यहां से सिंगल फेज और सिंगल पास कंपाइलर और मल्टी पास कंपाइलर को हम समझ सकते हैं। आगे हम डिटेल में देखते हैं कि लेक्सिकल एनालिसिस काम कैसे करता है, क्या क्या करता है। तो लेक्सिकल एनालिसिस जनरली क्या होता है आपका, लेक्सिकल एनालिसिस जैसा मैंने पीछे बताया कि वो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज या मॉडिफाइड सोर्स कोड जो होगा उसको एज ए इनपुट लेगा और एक एक करेक्टर को स्कैन करता है, प्रोग्राम के सारे करेक्टर को स्कैन करेगा और फाइंड आउट कोड करने की कोशिश करेगा टोकन।
अब टोकेंस क्या क्या हो सकता है? टोकेंस आपका उस लैंग्वेज का कीवर्ड हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ऑपरेटर हो सकता है, स्पेशल सिंबल हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कांस्टेंट हो सकता है। तो ये सारे चीज किस में आ जाएंगे? टोकेंस में आ सकते हैं। तो टोकेंस कैसे आइडेंटिफाई करेगा, कैसे स्कैन करेगा वो? तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अगर मैंने पीछे देखा होगा ऑटोमेटा की क्लास में, तो सेकेंड ईयर में, तो ऑटोमेटा में आपने पढ़ा होगा फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट ऑटोमेटा जनरली क्या काम क्या होता है उसका? उसका काम होता है सिंपली स्कैन करना। तो यहाँ पे ऑटोमेटा का ही रोल है। यहाँ पे आपका जो लेक्सिकल एनालिसिस फेज होता है, इसमें जनरली आपका ऑटोमेटा मशीन काम करता है, और वो मशीन क्या करता है, उसको स्कैन करेगा और स्कैन करके मैच करेगा अपने उस लैंग्वेज के लैंग्वेज से कि क्या इसके अकॉर्डिंग ये टोकन हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो कैसे मैच करता है, कैसे निकालता है, वही हम आगे देखते हैं। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका स्टेटमेंट दे दिया प्रोग्राम में टोटल इज इक्वल टू काउंट प्लस रेट मल्टीप्लाई बाई 10। तो अगर हम यहां पे देखें तो क्या है, टोटल क्या है आपका, टोटल अगर सी लैंग्वेज रिगार्डिंग देखें तो टोटल क्या है, एक आइडेंटिफायर है, ये आपका ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर है। काउंट भी क्या है आपका, आइडेंटिफायर है, ये आपका क्या है, प्लस ऑपरेटर है। ये आपका क्या है, रेट जो है आपका आइडेंटिफायर है, अगेन मल्टीप्लाई ऑपरेटर, और 10 क्या है आपका, कॉन्स्टेंट है। तो इसको आइडेंटिफाई करेगा, इसको कर देगा आइडेंटिफायर, ये हो जाएगा आपका आइडेंटिफायर, इस ए क्या है ऑपरेटर, ए क्या है ऑपरेटर, अगेन क्या है आइडेंटिफायर, मल्टीप्लाई क्या है ऑपरेटर, 10 क्या है कांस्टेंट। तो टोटल नंबर ऑफ टोकन कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 नंबर ऑफ 7 टोकन यहां पे बन गए। तो आइडेंटिफाई कैसे करेगा वो, हमेशा ध्यान दीजिए इसको स्कैन करना कहां से स्टार्ट करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर से स्कैन करेगा स्टार्ट करना। फर्स्ट कैरेक्टर में क्या आ गया, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसके बाद जैसे टी मिला, टी क्या हो सकता है, इंडिविजुअल अगर हम देखें तो वेरिएबल हो सकता है, लेकिन टी पे ही आपका स्कैनर रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ेगा ओ पे, टी ओ। अब दो करेक्टर आ गए, हमेशा फाइंड आउट करने की कोशिश करता है लॉन्गेस्ट लेग्जिम, इसको कहेंगे। इसी को जैसे टोटल है, तो टोटल क्या है, टोटल एक एक लेग्जिम हो गया, वही आपका क्या बन जाएगा, टोकन बन जाएगा। तो लॉन्गेस्ट लेग्जिम फाइंड आउट करने की कोशिश करता है ऑटोमेटा मशीन, कैसे करेगा कि पहले टी है तो टी इंडिविजुअल हो सकता है लेकिन अभी रुकेगा नहीं, इसके बाद आ गया ओ पे, ओ के साथ टी ओ बना, फिर आपका हो सकता है लेकिन अभी रुकेगा नहीं, इसके बाद टी ए एल तक आया। जैसे ही एल के बाद ऑपरेटर आया, एक ऑपरेटर आते ही क्या हुआ, कभी भी लेग्जिम में वेरिएबल के साथ ऑपरेटर ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं आ सकता वेरिएबल में, आपका रूल होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन का सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो यहां पर रुक जाएगा और लॉन्गेस्ट पैटर्न मैच, इसको लॉन्गेस्ट लेग्जिम क्या मिल जाएगा, टोटल, इसलिए इसको क्या दे देगा, 1 टोकन नंबर फर्स्ट दे देगा और बोल देगा आइडेंटिफायर। क्यों, क्योंकि टोटल जो है कोई कीवर्ड नहीं है, एक किस कैटेगरी में जाएगा, आइडेंटिफायर की कैटेगरी में जाएगा। तो ऐसे ही मैच करके टोटल निकाल देगा, कितने टोकन हो जाएंगे, 7 टोकन यहां पे हो जाएंगे। अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें, सेकंड जैसे मैं लिख दिया इंटीजर ए सेमीकॉलन, अगर हम देखें तो क्या है, यहां पे जो लेक्सिकल एनालिसिस से काम कैसे करेगा, इंटीजर एक पहला मिल गया, इसको कीवर्ड मिल गया, क्या है कीवर्ड है यहां पे। इसके बाद ए क्या है आपका, वेरिएबल है जिसको हम आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं, और क्या है सेमीकॉलन क्या है, स्पेशल सिंबल, या इसको डेलीमीटर हम कह सकते हैं, डेलीमीटर्स। तो यहां पे देखिए कितने टोकन हो गए, 1 2 3, तीन टोकन यहां पे बन रहे हैं। अब यहां पे फिर क्वेश्चन आएगा कि आईएनटी कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कीवर्ड है आपका। तो आइडेंटिफाई करने का सिंपल तरीका है आपका कि अगेन ऑटोमेटा मशीन काम करेगा। यहां पे हम देख सकते हैं कि स्टार्ट एक सिंबल है, स्टेट नंबर 1 से स्टार्ट करेगा, और सबसे पहला करेक्टर क्या आएगा, आई, आई करेक्टर आया। इसके बाद जैसे दूसरे स्टेट में गया, आई पे भी रुकेगा नहीं, मैंने बताया कि लॉन्गेस्ट लेग्जिम वो पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। इसका सेकंड कौन सा आएगा, एन, एन पे आ गया। इसके बाद टी पे आया, जैसे टी लेग्जिम के पास आया, यहां से तीन स्कैन रीड किया, इसके बाद क्या आ गया, स्पेस। अब स्पेस जो है, स्पेस जैसे ही आएगा वहीं पे रुक जाएगा और लॉन्गेस्ट लेग्जिम मैच क्या मिल जाएगा, इसको आईएनटी। अब आईएनटी मिलते ही मैच करेगा कि आईएनटी क्या प्री डिफाइंड कीवर्ड है। तो यहां पे सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या मिल जाएगा, प्री डिफाइंड कीवर्ड मिल जाएगा, और क्या हो जाएगा, उसको एक, उसको क्या बना देगा, वो एक टोकन। अब इसके बाद व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस दोस्तों, व्हाइट स्पेस के जो होता है, यहां पे एक चीज और क्लियर कर दूं आपको कि जो लेक्सिकल एनालिसिस है, इसका एक और रोल होता है कि प्रोग्राम में जितने भी आपके कमेंट हैं
और जितने व्हाइट स्पेस हैं उसको भी रिमूव करेगा। मींस कहीं पे आप सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग में अगर हम कहीं पे सिंगल स्पेस दो बार स्पेस दे दें तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, तो स्पेस को भी रिमूव करता है और कमेंट अगर कहीं लिखा है तो कमेंट को भी वो लेजिकल एनालिसिस उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। अब जैसे यहां पे आईएनटी क्या बन गया, आपका कीवर्ड बन गया, स्पेस आया, स्पेस रिमूव कर दिया। अब ए आया, सिंगल ए आया, ए को रीड किया, ए के बाद फिर क्या आ गया, स्पेस आ गया। और अब स्पेस आ गया तो यहां पे क्या हो गया, अब लॉन्गेस्ट लेक्सिम में कितने करेक्टर आए, केवल ए आया। अब ए को मैच करेगा क्या है, कीवर्ड है, ए कीवर्ड नहीं है, इसको किस कैटेगरी में डाल देगा, आइडेंटिफायर या वेरिएबल की कैटेगरी में। इसके तुरंत बाद क्या आ गया, सेमीकॉलन, सेमीकॉलन आते ही सेमीकॉलन किस कैटेगरी में है, सेमीकॉलन आपका सिंगल लेक्सिम है, सेमीकॉलन के बाद क्या है, कुछ भी नहीं है। तो सेमीकॉलन जैसे आया तो इसको क्या ले लेगा, इसको मैच करेगा कि क्या है, किस कैटेगरी में आता है, वो किस कैटेगरी में आएगा, आपका डेलिमिटर कर सकते हैं, स्पेशल सिंबल कर सकते हैं, उस कैटेगरी में आएगा, इसको बना देगा थर्ड टोकन। तो कितने टोकन हो गए यहाँ पे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तीन टोकन हो गए। इस तरीके से हम टोकन निकाल लेंगे। अब देखिए बात करें कि क्या टोकन नहीं हो सकता, क्या गलती कैसे पकड़ेगा। जरा हम जावा लैंग्वेज में बात करें तो आप जावा लैंग्वेज में जो ऐसे स्कोर लिखते हैं हम ए डबल कॉलन बी, अगर हम ऐसे लिख दें, ऐसे जावा लैंग्वेज में लिख दें तो वहां पर जो ए सिंबल है, ए क्या है, लेक्सिकली उसके अकॉर्डिंग कोई ऑपरेटर नहीं होता जावा में, तो यहां पर क्या आएगा, लेक्सिकल एरर। ऐसे सी लैंग्वेज हम देखें, जैसे सपोज कीजिए सी लैंग्वेज में मैंने एक डिक्लेयर कर लिया आई इंट सम सेमीकॉलन, तो ये तो इंट सम क्या, ये तो लाइन करेक्ट है, करेक्ट है, कितने टोकन बन जाएंगे इसमें, 1, 2, 3 टोकन बन गया। लेकिन प्रोग्राम में कहीं हम सम की जगह लिख दिए, स्पेलिंग मिसमैच कर दिए, यस एम यू इक्वल टू 15 लिख दिए, अब क्या होगा, जैसे एस एम यू आया, ये क्या है, ये वेरिएबल, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, लेक्सिकल एनालिसिस क्या करेगा, यहां पे तो वेरिएबल है डिक्लेयर लेकिन यहां पे वेरिएबल मैच नहीं कर पा रहा, तो ये भी लेक्सिकली क्या हो जाएगा, यहां पे लेक्सिकली इसको गलती पकड़ लेगा और लेक्सिकल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम और कोशिश करते हैं समझने की कि जो लेक्सिकल एनालिसिस है यहाँ पे, लेक्सिकल एनालिसिस साथ क्या कौन सा कनेक्ट है, सिंबल टेबल कनेक्ट है, तो लेक्सिकल एनालिसिस और सिंबल टेबल का क्या रोल हो सकता है, इसको समझते हैं हम। सपोज एग्जांपल ले लिया मैंने, फ्लोट एक्स ए बी सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेमी कॉलन, कितने टोकन हो गए, 1 फ्लोट फला टोकन, एक्स दूसरा टोकन, कामा थर्ड टोकन, ए फोर्थ टोकन, तो कितने टोकन हो गए, 7 टोकन यहाँ पे हो गए। अब अगर इसको देखें तो लेक्सिकल एनालिसिस इसको क्या करेगा, लेक्सिकल एनालिसिस इस वाले जो लाइन है आपका, ये वाला लाइन, इसका क्या किया, इसमें कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल, और तीनों किस टाइप के हैं, फ्लोट टाइप के हैं, तो सिंबल टेबल में क्या करेगा, सिंबल टेबल में उसको मैनेज करेगा कुछ इस तरीके से, सीरियल नंबर, वेरिएबल नेम और टाइप। तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, वेरिएबल नेम क्या आ गया, एक्स ए बी, और टाइप क्या है, तीनों का फ्लोट फ्लोट फ्लोट, ऐसे जितने भी सिंबल यूज होंगे वो इंफॉर्मेशन कहां होल्ड करता चला जाएगा, सिंबल टेबल के पास इंफॉर्मेशन होल्ड करता हुआ चला जाएगा। तो ये रोल होता है लेक्सिकल एनालिसिस का। सेकंड हम बात करते हैं सिंटैक्स एनालिसिस का।